शिवपुरी के कोलारस थाने में ग्राम देहरदा के पास फोर लेन हाईवे पर एक बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मासूम बेटी इस भीषण हादसे में बच गई। बच्ची को चोटें आई हैं, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतिका अपने पति के साथ बड़े भाई को राखी बांधने के लिए शिवपुरी आई थी और मंगलवार की शाम लौटकर अपनी ससुराल जा रही थी। अशोकनगर जिले के ग्राम राजश्री निवासी सपना परिहार इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने नहीं आ पाई थी। इसी के चलते कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने भाई मान सिंह परिहार को राखी बांधने के लिए शिवपुरी आई थी। राखी बांधने के बाद मंगलवार की शाम वो पति मिथुन पुत्र अमोद सिंह परिहार और 3 साल की बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसका मायका ग्राम डोंडियाई पड़ता है, इसके लिए वो भाई से ये कहकर गई थी कि कुछ देर मम्मी से मिलने के बाद राजश्री रवाना हो जाऊंगी। देहरदा के पास जब वह डोंडियाई के लिए बाइक टर्न कर रहे थे, तभी एक बस चालक ने उनकी बाइक को रौंद दिया और हादसे में रचना की मौके पर मौत हो गई, जबकि मिथुन ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 3 साल की मासूम पल्लवी को चोटें आई हैं। इस भीषण हादसे में घटनास्थल को देखने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बाइक पर सवार कोई भी व्यक्ति बचा होगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस हादसे में पल्लवी के साथ ये हाल हुआ, बाइक पर सबसे आगे बैठी होने के बावजूद वो बाइक से उछट कर दूर फेंक गई। इस हृदय विदारक हादसा में मौत के आगोश में समाई रिपीट इस हृदय विदारक हादसे में मौत के आगोश में समाई रचना अपने 7 साल के बेटे सूर्य, 5 साल के बेटे भूरा को घर पर ही छोड़कर आई थी। आते ही वादा किया था कि कल शाम तक हर हाल में घर पहुंच जाऊंगी। जब देर शाम माँ घर नहीं पहुंची तो बच्चों ने अपने मामा के मोबाइल पर फोन लगाया और पूछा कि मामा माँ घर कब आएंगी। अपने बहनों की लाश के पास खड़ा बेबस मामा उनसे ये भी नहीं कह पाया कि अब उनकी माँ कभी नहीं आएगी।